कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा जिसके नामों की घोषणा कल कर दी जाएगी। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे और तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण जी वो अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। यही है कि हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा, तो हमें सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है, मंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है। जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों ने शुक्रवार यानी 20 जनवरी की देर रात अपना धरना खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि घंटों चली खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से दूसरे दौर की बातचीत के बाद खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धरना खत्म करने का ऐलान किया। दूसरी ओर खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और यूपी के कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों से अलग करने का फैसला लिया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक निगरानी समिति बनाने का फैसला किया गया है जिसके सदस्यों के नामों की घोषणा आज की जाएगी। समिति 4 हफ्ते में जांच पूरी करेगी। वहीं WFI और इसके अध्यक्ष के खिलाफ वित्तीय या यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों की गंभीरता से जांच करेगी। उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने तक ब्रजभूषण शरण सिंह अलग रहेंगे और जांच में सहयोग करेंगे, जबकि WFI के रोजमर्रा के काम को निगरानी समिति देखेगी। कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा जिसके नामों की घोषणा कल कर दी जाएगी। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सबकी गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, जैसा मैंने कहा कि 4 हफ्तों में हम इसको करने का काम करेंगे, तो एक कमेटी तब तक दैनिक कार्यकलाप को देखेगी, डे टू डे वर्किंग को, और तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण जी वो अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। वहीं पहलवान बजरंग पूनिया ने बताया कि सभी खिलाड़ियों को केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है, सभी को समझाया भी है। हम खिलाड़ी अपने आंदोलन को बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया है, हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हमारी भी मजबूरी थी कि भाई इतना पानी सर से ऊपर चला गया था कि हमें ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि हमारा भी ये साल बहुत ज़रूरी साल है। 2023 एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है, तो उसकी तैयारी करनी है। तो अभी मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उसकी संघ को साइड करके जो कमेटी गठित होगी वही उसका निर्णय लेगी। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मंत्री जी, हम सभी खिलाड़ियों की तरफ से, और हमें उम्मीद है कि इसमें आप हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा उनकी जो जांच में जो 100% अच्छे से उसकी जांच करवाएंगे, निष्पक्ष जांच होगी उसकी। और आप सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने हमारा 3 दिन जितना साथ दिया, क्योंकि आपके सहयोग की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यही है कि हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा, तो हमें सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है, मंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है। बता दें कि 18 जनवरी से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान धरने पर बैठे थे। इस दौरान उनकी सीधी मांग थी कि यूपी के सांसद और कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जाए, लेकिन दूसरी ओर लगातार खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बातचीत के जरिए मामले को समझना चाहते थे और उसके बाद फैसला करना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।